अभी हमारे को ना यहाँ पे पुलिस ने रोका। गाड़ी कहाँ चढ़ गई? कहाँ चढ़ गई है? यार अभी हम आ चुके हैं बिलासपुर एंड बिलासपुर में यार क्या कड़ाकेदार धूप आ चुकी है। मतलब सुबह अभी 9 बजे और 9 बजे में इतनी ज्यादा धूप है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं थी जब हम सुबह 8 बजे उठे थे ना। उस टाइम पे बादल ऐसे उड़ उड़ के आ रहे थे, इतना मस्त मौसम था। मेरे को तो लगा भाई बारिश होगी ताबड़तोड़, बट भाई एक घंटे के अंदर जो मौसम ने चेंज कर लिया है ना, अब भाई क्लाउड्स वगैरह तो सब खत्म, अब सिर्फ धूप है भाई। गाड़ी में वैसे तेल मतलब कम हो तो चुका है, तो अगर कोई पेट्रोल पंप आगे आएगा तो एक बार तेल डलवा लेंगे। बातें करते करते देखो पेट्रोल पंप भी आ गया, तो यहाँ से पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। यार शीशा वीशा तो भाई एकदम गंदा हो गया यार धूल में। क्या हाल है भैया? भैया पेट्रोल डाल दीजिए, पेट्रोल डलेगा और फुल टंकी कर दीजिए लबालब ऊपर तक। यह पेट्रोल हमने पूरा करा लिया है और भैया ने थोड़ा सा तेल ना गिरा भी दिया। उस टाइम मेरा कैमरा ऑफ था तो भैया हमारा नुकसान करा दिए हैं 10 रुपए का। तो भैया देखो हम लोग तो करते हैं बजट ट्रैवलिंग, हमारी महीने की 2 ट्रिप्स होती हैं कम से कम। अब आप बोलोगे कि भैया XUV700 में घूम के कैसे बजट ट्रैवलिंग होती है, तो भैया देखो ऐसा है, XUV700 में तो घूमना है, हमने तो सारे पैसे लगा दिए गाड़ी में, तो अब जो बजट है ना वो सिर्फ आता है होटल पे। तो हम होटल महंगा नहीं लेते, जो पहले हम लेते थे 4-4, 5-5 हजार के कम से कम होटल, अब लेते हैं होम स्टेज या फिर सस्ते अच्छे टिकाऊ रूम्स। तो वो वाली बजट ट्रैवलिंग करते हैं भाई। खाने पीने में कोई कमी नहीं है भाई, जो खाना है वो खाएंगे। चिली चिकन तो सुबह दोपहर शाम चाहिए। पहले हम सोच रहे थे कि मैक्लोडगंज चले जाएं और बीर बिलिंग हुए हैं, कसौल जब भी मनाली भी गए हुए बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार फाइनली अब कसौल चलता है इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब कसौल गए थे ना तब हम चले गए थे न्यू ईयर पे, एंड उस टाइम पे भाई कसौल की दुर्दशा हो रखी थी भाई, सच में दुर्दशा। मतलब मैंने कसौल में ना वो हरियाणवी गाने चलते सुने हैं यार, मतलब न्यू ईयर पे इतना बुरा हाल था। पहाड़ों पे ना ये है दिक्कत ना ट्रकों की भाई, रेंगते हुए चलते हैं, रेंगते हुए जा रहे हैं। अभी आगे वाला ट्रक जो है, इसके आगे 2-3 ट्रक्स हैं, सब रेंगते हुए जा रहे हैं। पीछे से ओवरटेक पे ओवरटेक करे जा रहा हूँ, बट फिर भी एक ट्रक ओवरटेक करो तो आगे दूसरा ट्रक रेंग रहा है। तो भैया यही स्ट्रगल्स रहते हैं यार पहाड़ों पे ना कई बार, कि यार ओवरटेक ही नहीं कर पाते। तो इस टाइम हम 23 की स्पीड पे चल रहे हैं, 23 पे चल रहे हैं, मतलब ट्रक ओवरटेक भी नहीं करने दे रहा, मतलब करने क्या नहीं दे रहा, कर ही नहीं पा रहे, मौका ही नहीं मिल पा रहा। तो यार गाड़ी रोकी है एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, फिर भी अपना ऑफिस कर रही है अंदर से। और मेरे को ना बहुत तेज प्रेशर आ रहा है यार, मतलब हर जगह से जो प्रेशर बोलते हैं ना, आगे पीछे सब जगह से प्रेशर आ रहा है यार। तोते बिठाने हैं कहीं तो भाई। यहाँ से पहाड़ देखो यार, क्या सुंदर लग रहा है यार, क्या सुंदर लग रहा है यार। इन्हीं नज़ारों के लिए हम इतनी दूर दूर आ जाते हैं। और ये देखो, ये अपनी सुंदर सी गाड़ी एकदम नेचर के बीच खड़ी हुई है। तोते बिठा लिए? तुम्हें बिठाने हैं? इतने खुले में? खुले में ही भैया, पहाड़ों पे आता हूँ मैं तो खुले में बिठाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बिठा के आई हूँ, बट तुमने मस्त एकदम, कल वहाँ पे पौधा उगेगा। अरे अगली बार आओगे ना तो भाई यहाँ पे बड़ा सा पौधा पेड़ सब उगेगा यहाँ पे। मजा आ गया एकदम। अब चाहिए खाने को कुछ, अब भूख लग रही है, अब भूख लग रही है सच में बहुत ज्यादा। और धूप देख रहे हो यार, यहाँ पे देखो यार, कहाँ गया सूरज, क्या चमक रहा है यार, बट मजा आ रहा है। जो भी कहो, XUV की पहली पहाड़ों की ड्राइव है, बहुत मजा आ रहा है। एंड सच में मतलब पहाड़ों पे और हाईवे पे जो ड्राइव होती है ना वो दोनों डिफरेंट होती है, बट इसमें ड्राइव करना लिटरली बहुत इजी है। पहले मैं सोच रहा था इतनी चौड़ी गाड़ी है कितना मुश्किल होगा, कितना इजी होगा, बट इसमें ड्राइव करना ना बहुत इजी है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ब्रियो से ही ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत ईजी है यार। इतना लाइट स्टीयरिंग है, कहीं भी कट जाती है, कहीं भी घुस जाती है, बहुत ईजी है, मजा आ गया। यहाँ से निकलते हैं, अब सबसे पहले कोई होटल देखते हैं, वहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है यार, बहुत तेज। तो भाई मैंने ना अब लगा लिया चश्मा, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज धूप है ना सामने। जब पहाड़ों पे आप चला रहे होते ना, एक तो पहाड़ों पे धूप वैसी बहुत ज्यादा तेज आती है क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत हायर ऑल्टीट्यूड पे हो, तो यहाँ पे चश्मे की ना सबसे ज्यादा नीड होती है। और जब यहाँ पे आप अगेंस्ट द सन चला रहे हो ना, तब तो मतलब आंखें ऐसी चुंदिया जाती हैं, ऐसी चुंदिया जाती है भाई, कुछ नहीं दिख रहा होता। तो भैया चश्मा डाल लिया मैंने भी और सुरभि ने। ये लो, आंवला खाओगे? आंवला नहीं खाऊंगा अब, मेरे को कुछ सॉलिड चाहिए। अच्छी होती है। भाई अभी बज रहा है पौने ग्यारह बज रहे हैं और सामने क्या मस्त वादियां आ रही हैं, सिर्फ मजा आ रहा है ना पहाड़ देख के। बंद हो रहे हैं ये तुम्हारी तो मतलब थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है भाई मतलब इतने सामने इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़ हैं, तुम कह रहे हो कान बंद हो रहा है, बताओ। एनीवेज तो ये है कि भाई देखो अभी 11:15 हो रहा है, भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना, मतलब ऐसा हो रखा है कैलेंडर खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ, बट खाना आ नहीं रहा है क्योंकि भाई अभी ना 11 बजे एक मीटिंग है सुरभि की, तो उस टाइम पे हम गाड़ी रोक देंगे और उस टाइम पे सुरभि अपना अटेंड करेगी मीटिंग और हम उसी टाइम को यूटिलाइज करके ब्रेकफास्ट भी करेंगे। बट पता है दिक्कत क्या हो रही है भाई, अभी 11 बजने में है 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट है और दुनिया भर के होटल अब आ रहे हैं। जब हम 10 से 10:30 होटल ढूंढ रहे थे तब भाई एक होटल नहीं आ रहा। अभी जब हमने डिसाइड करा 10:30 बजे की भाई 11 बजे करेंगे, तो 10:30 से 11 बैक टू बैक नॉन स्टॉप भाई होटल पे होटल, रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट, ढाबे पे ढाबे आए जा रहे हैं भाई। मतलब ये पूरा खाली हो गया, अब पूरा खाली हो गया, अब 11 बजे के बाद वाले हैं, सब खाली हो गया। सही में यार, जब हमारे को चाहिए ना तब खाली हो जाएगा। तो भाई मतलब जब किस्मत में लिख के हो ओड़े तो कहाँ से मिलेंगे पकौड़े पर यार इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या बताऊं। देखो भाई गाय की भी किस्मत देखो भाई, पूरा मतलब पीछे बैठ के जा रही है, खड़े होके जा रही है, देख रहे हो मेहनत गाय भी नहीं कर रही भाई। ये जबर किस्मत लेके पैदा होना है, मतलब अगर गाय बनो ना तो ऐसी किस्मत वाली गाय बनो है कि कुछ करना ही ना पड़े। जैसा सोचा था वही हुआ, जब हमारा 11 बजे सुरभि की मीटिंग का टाइम आ गया है तो भाई यहाँ पे कोई कैफे नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो सुरभि बस पीछे से ये छोले कुलचे वाला दिख रहा है, अब दिखेगा, दिख रहा है ये सुरभि वहां पे गई है छोले कुलचे ऑर्डर दे रहे हैं, तो भैया छोले कुलचे ही खा लेंगे अब जो भी है ब्रेकफास्ट में। और एक बार गाड़ी का एवरेज वगैरह देख लेते हैं, तो एक मिनट भाई ये टायर का डायरेक्शन बता रही है, 2 मिनट दो भाई, 2 मिनट दो। तो अपनी गाड़ी जब से गाजियाबाद से निकला तब से 448 किलोमीटर चल चुकी है और एवरेज आ रही है अभी अपने को 9.9। तो भाई पहाड़ों पे इसकी एवरेज गिर के 9.9 हो गई है, तो 10 के करीब रहेगी अब पूरे ट्रिप पे। तो भाई लोग ये देख रहे हो, इंडिया का ना कोई कोना नहीं है जहाँ से सुरभि ने काम नहीं करा है, मतलब इसको ना अवार्ड मिलना चाहिए। एचआरएस की यही हालत होती है, एचआरएस की भाई तुम दुनिया की बोलते ना कि एचआर रंगोली बनाती है। देखो सी यार अभी हम है सुंदर नगर में और यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी है। मीटिंग के बीच में मैंने 5 मिनट गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया भाई साहब, गाड़ी जल गई, तप गई, भुन गए हम, मतलब अंदर चिल्ली चिकन बन गया भाई हमारा सच में। वैसे ही नवरात्रे खत्म, अब तो चिकन की बातें भी खुलकर कर सकते हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्या सपाट हाईवे है भाई, मतलब गाड़ी यहाँ पे 80-90 पे भाग रही है क्रूज कंट्रोल पे, और ये पहाड़ों के बीच है और सामने पूरे पहाड़ देखो यार कितने सुंदर लग रहे हैं यार, कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं पहाड़। और एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ, हाईवे क्रॉस करके जा रहा हूँ, कोई आ तो नहीं रहा हाईवे पे भाई देख के चलना चाहिए। यहाँ से गाड़ी आ रही है बहुत तेज और देखो अपनी गाड़ी क्या सही लग रही है। और देखो हाईवे के दूसरे पार ये जो सारे खेत है, यहाँ पे पता नहीं ये कौन सी फसल है बट भाई बड़ा सुंदर लग रहा है यार, बहुत सुंदर लग रही है ये चीज। और हाईवे तो यार क्या मस्त है यार एकदम, मतलब कौन कहेगा ये पहाड़ों पे है यार, कौन कहेगा, स्विट्जरलैंड लग रहा है ये, स्विट्जरलैंड। और अपनी गाड़ी क्या सुंदर लग रही है वहाँ पे। तो भाई यार वो गाड़ी कहाँ चढ़ गई? पीला होगा, पक्का पीला होगा, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ यार। मेरे को तो लगता है या तो बंदा पी के चला रहा है या फिर पहाड़ों पे ना वो नींद में ड्राइविंग कर रहा है। नींद आ रही है तो मत चलाओ नींद में, समझे यार। बहुत तेज भूख लग रही थी और फाइनली अभी 12:15 बजे ना हम लोग खाने के लिए रुके हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं कराया यार, सर दर्द हो रहा था भूख से। एक मिनट में अनलॉक कर दूं, कैसे गिरे पड़े जा रही हो भाई। मेरे को ना ड्राइव करते हुए सच में चक्कर आ रहे थे, इतनी तेज भूख लग रही थी। तो भाई हमारा ना खाना आ गया, इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि मैं और सिर्फ भी ना आपको दिखाई नहीं पाया। तो हमने ये दाल ली थी, दाल बहुत ही जबरदस्त है, मैगी बहुत बढ़िया और रोटी। बहुत ज्यादा भूख लग रही थी यार, तो हमने बस खाना शुरू कर दिया, मतलब टूट पड़े दोनों आते ही ना। तो यार हमने ना खाना खाया इधर मंडी में रिवर व्यू भोजनालय, भाई यहाँ का खाना ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं कभी भी 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाता बट आज मैंने 3 खाई है यार। बस ना देखो एक ये बड़ी खराब चीज लगती है मेरे को, वैसे तो ये बहुत अच्छा फीचर है बट कभी कभी जब आलस आ रहा हो ना तब भाई दिमाग खराब हो जाता है। अब मेरे को थकान हो रही है, मेरे को जल्दी से अपनी सीट आगे करके चलानी है गाड़ी, तो भाई मैं जल्दी से नहीं कर सकता। अपना टाइम लेगी ये मशीन, देख रहे हो अपने आप आगे बढ़ रही है स्लोली 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 स्लोली। अरे भाई कल तक तो आगे हो पाएगी, पहले सीट आगे होगी, फिर उसके बाद ये जो बैक वाला है फिर वो सीधा होगा, उसके बाद चलेगी गाड़ी। भाई ये ना वेटिंग बड़ी गंदी लगती है बस मेरे को इसमें। पूरा का पूरा लैंडस्लाइड एरिया है, पूरा का पूरा, देख रहे हो भाई सब जगह पत्थर गिरे पड़े हैं लेफ्ट में तो। और ये फिर भी वो टाइम है जब हम स्पीति से लौट रहे थे, हाँ। उस टाइम जो मंडी में लैंडस्लाइड हुई थी वो सारा यही तो है, वो सारा यही एरिया है। देखो यार पूरा का पूरा पहाड़ गिरा हुआ है यार। अब इस पूरे सेक्शन पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पूरा रोड कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। लेफ्ट में अगर आप देखो ना पूरा पहाड़ काट काट के रोड्स बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एकदम से खराब रोड्स आ गई है अचानक से। फाइनली आ गई है और टनल। तो अगर आपको जिबी जाना है तो आपको सीधा लेना है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, एंड मनाली और कसौल के लिए यहाँ से लेफ्ट ले लेना है टनल। तो भैया हमें तो जाना है कसौल इस बार, अगली बार जाएंगे जिबी। अभी हमारे को ना यहाँ पे पुलिस ने रोका, अपनी गाड़ी ये खड़ी और उधर पुलिस ने रोक लिया हमारे को। कुछ नहीं, ये लोग बस वो करा रहे थे, गाड़ी का नंबर नोट कराया, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हैं, नॉर्मल चेकिंग बस। अभी भी यहाँ से हमारे को कसौल पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। अभी 2:45 बज रहा है, 3:45 बजे तक हम होंगे कसौल में। कसौल में क्या एंजॉय कर रहे होंगे, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, उसके लिए नहीं जा रहे हैं भाई, वो सब काम नहीं करते हम। आगे तो बहुत लंबा ट्रैफिक है, बहुत लंबा जाम है, हाँ पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा है। मैं तो थोड़ा आगे गई, फिर देखा ये तो और आगे है। चलो चलो ट्रैफिक चल गया। हम पहुंच चुके हैं कसौल, और सुरभि यहाँ पे होटल वगैरह ढूंढने गई है। एंड मैं सच बता रहा हूँ यार, कसौल ना मतलब अब कोई ऑफ बीट डेस्टिनेशन नहीं है यार, मतलब ये पूरा हिल स्टेशन बन चुका है। सारे के सारे लग्जरी होटल्स खुल रहे हैं यार, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 हजार में रूम्स मिल रहे हैं। और देख रहे हो भाई खतरनाक सीन हो गया है भाई, खत्म हो गया है कसौल, तो बिल्कुल ही खत्म हो गया भाई। कमी है ना तो सिर्फ पता है किस चीज की है, कि भैया यहाँ पे मैकडोनल्ड्स और KFC नहीं है, बस वो और खुल जाए ना तो भाई साहब फिर तो यहाँ पे मनाली शिमला छोड़ के ना फिर तो लोग यहीं आया करेंगे। ये हमारा होटल कसौल इन, गाड़ी पार्क हो गई है, ये पूरा होटल है, ये हमारा होटल है। ये तो बाथरूम है, बाथरूम तो अच्छा खासा बड़ा है यार। और ये अपना रूम है, ये बेड है, सुरभि का ऑफिस चल रहा है। और ये सामने कसौल की मेन स्ट्रीट है, ये देखो। यही थी हमारी गुड़गांव से कसौल तक की ट्रिप, बिल्कुल अनप्लान ट्रिप। हमें पता ही नहीं था हम जा कर रहे हैं, हम बस निकल लिए। चंडीगढ़ के बाद हमने डिसाइड करा, चंडीगढ़ के बाद भी नहीं, इनफैक्ट हमने हिमाचल में एंटर करने के बाद बिलासपुर में डिसाइड करा कि हमें कहाँ जाना है, और फाइनली हम आए हैं कसौल। ये वाली वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। ओके बाय।